नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस घर अपने कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ये एक लौता डायलॉग है जो पूरी फिल्म की कहानी को बयां कर देता है। सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों, फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे और आपके घरों में इस फिल्म का नाम लिया जा रहा है। बता दें, कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है। थिएटर में फिल्म हाउसफुल चल रही है। देश के 4 राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। संयोग से ये 4 राज्य भी बीजेपी शासित बताए जा रहे हैं। वही फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्यों संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी फिल्म इस फिल्म के आगे नहीं टिक पाई? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। कभी सिसकियां तो कभी फूट फूट कर रोने की आवाज, तो कभी जोरदार तालियां। दरअसल 72 mm के पर्दे पर जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स का एक एक पन्ना खुलता है तो ऐसा लगता है कि दशकों पुराने घाव से आज भी खून रिस रहा है। और जब ये फिल्म उन कश्मीरी पंडितों के साथ देख रहे हो जो इस नरसंहार और अत्याचार से हकीकत से रूबरू हुए, तो ऐसा लगता है कि भारत की इस मिट्टी में कश्मीरी पंडित पर किस कदर जुल्म किया गया, किस तरह उन्हें उनके घर से ही बेदखल कर दिया गया। इतने सालों बाद कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म की चर्चा जोरों पर है। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कश्मीरी पंडित फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके पलायन की दर्दनाक दास्ता को दिखाया गया। फिल्म निर्माता और अभिनेताओं को गले लगाकर लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। ये 3 दशक तक सीने में दफन गुबार के फूटने जैसा है। आंखों से आंसू बनकर निकलते कश्मीरी पंडितों का दर्द है जो अपने और अपनों को परिवार के साथ घटित रास्ते के बड़े पर्दे पर देखकर बाहर निकल रही है। अगर इस फिल्म को लेकर चुनौतियों की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स के रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई थी और ये बात द कश्मीर फिल्म्स के लिए चुनौती मारी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर चुनौती थी कि साउथ की सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम ये भी द कश्मीर फाइल्स के साथ रिलीज हुई। वही बड़ी फिल्मों से टक्कर के बावजूद द कश्मीर फाइल से फिल्म ने अभी तक 27 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर लिया है। बता दें, कोरोना महामारी के बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हुई कुछ ही फिल्में असर कर पाई। वही शुरुआती दिनों में द कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिली, उसके बाद सिनेमा जगत से जुड़े कारोबारियों ने इस फिल्म को बड़ी उम्मीद दी है। वही फिल्म के रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पे जंग सी छिड़ गई। बता दें, फिल्म को लेकर सबसे पहला विवाद तब शुरू हुआ जब कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा पर आरोप लगने लगे। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अपने शो पर प्रमोट करने से मना कर दिया। वही सोशल मीडिया पर लोगों ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया कि कपिल घबरा गए हैं और इसीलिए उन्होंने फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद कपिल शर्मा की ओर से भी जवाब भी दिया गया। उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये सच नहीं है, राठौर साहब आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, बाकी जिन्होंने सच माना है उनको एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं। वही क्रिकेटर सुरेश रैना ने 11 मार्च को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब ये फिल्म आपके हवाले है, अगर ये फिल्म आपके दिल को छूती है तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप न्याय के अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाइए और कश्मीर में हुए नरसंहार के पीड़ितों का दर्द कम करने में मदद कीजिए। वही सुरेश रैना के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने जहां उनके समर्थन भी किया तो कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। कुछ लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या हम गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार की भर्त्सना करेंगे। एक अन्य यूजर ने भी ऐसा ही कुछ लिखा। वही कुछ लोगों ने दिल्ली दंगों पर चर्चा की भी बात कही। वही आपको बता दें, कश्मीर फिल्म्स की रिलीज के साथ ही गुजरात दंगों की भी चर्चा शुरू हो गई है। अभिनेता और फिल्म निर्देशक केआरके ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने एक अच्छी फिल्म बनाई है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया है, तो अब मैं विवेक से उम्मीद करता हूं कि वे गुजरात दंगों पर भी फिल्म बनाएं और दिखाएं कि आखिर सचमुच में क्या हुआ था।
वही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया में लोग दो घड़ों में बट गए हैं। कुछ लोगों ने फिल्म को सच्चाई बयां करने वाला बताया तो कुछ लोग इसी बहाने गोधरा और अयोध्या जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने फिल्म को शानदार बताया और लोगों से इसे देखने की अपील की। दिल्ली दंगों के दौरान खासतौर पर अपने उग्र भाषणों के लिए कारण में चर्चा में आए कपिल मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आपका एक एक टिकट फर्जी लिबरल, फर्जी सेक्युलर, खटिया हिस्टोरियन, बिकी हुई मीडिया, आतंकियों के हाथों बिके नेताओं, बॉलीवुड के जिहादी गैंग के गालों पर एक एक करारा तमाचा है, जागे हुए हिंदुस्तान का तमाचा, तोड़ दो सारे रिकॉर्ड, हैशटैग द कश्मीर फाइल्स। वही महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देखिए, ताकि मासूम लोगों के खून से सना यह इतिहास दोबारा कभी दोहराया नहीं जाएगा। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके लिखा, उन्होंने लिखा कि क्योंकि ये फिल्म अधिक से अधिक संख्या में देखी जानी चाहिए, इसलिए टैक्स फ्री किया जा रहा है। वही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के गत हालातों एवं सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म हैशटैग द कश्मीर फाइल्स को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में टैक्स फ्री किया गया। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस फिल्म को हैशटैग राजस्थान में भी टैक्स फ्री किया जाए। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई द कश्मीर फाइल को लेकर अब बवाल समचा हुआ है। बता दें, आगरा के सिनेमा घरों में मूवी न लगने की वजह से राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से सिनेमा हॉल में आग लगाई गई। वही आगरा के संजय टॉकीज के बाहर राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में ताला भी लगाया गया। वही राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मूवी नहीं लगेगी तब तक हम नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खान फिल्म इंडस्ट्री को खुश करने के लिए कुछ टॉकीज में मूवी नहीं लगी है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। जय हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। वही इस फिल्म को जिस तरीके का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, तमाम विवादों के बाद भी ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।